हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उस स्टॉक का नाम है BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी। ये अप्रैल 2020 में केवल 7 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा था और फिर अगस्त 2021 में ये 49.29 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा था और फिर 11 नवंबर 2022 को ये 180 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा था और आज इसने अपना नया हाई भी बनाया है जो कि 241.25 रुपये का है। तो ये जो स्टॉक है ये लगातार ही बढ़ने लग रहा है। एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और एक बहुत ही अच्छे रिटर्न ये कंपनी देने लग रही है। और ये जो कंपनी है ये 4 दशक पुराने BLS ग्रुप का एक हिस्सा है और ये जो अपनी सर्विस देती है वो वीज़ा हो गया, पासपोर्ट हो गया, काउंसलर हो गया, सिटीजन सर्विसेज हो गया और वीज़ा अप्लीकेशन आउटसोर्सिंग के मामले में ये विश्व के 2-3 सबसे बड़े जो प्लेयर है उनमें से एक कंपनी है ये। यानी कि ये जो कंपनी है ये वीज़ा लगवाने का काम ये कंपनी करती है, वीज़ा से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती हैं ये उनको सोल्व करने का काम ये कंपनी करती है। और ये जो कंपनी काम करती है ये 62 से अधिक जो देश हैं उनमें और 36 से भी अधिक जो गवर्नमेंट क्लाइंट हैं इसके वो हैं। और ये जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है तो इसके पूरी दुनिया में 2325 जो ऑफिस हैं उनके थ्रू ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करने का काम ये कंपनी करती है। ये जो कंपनी काम करती है ये वीज़ा लगवाने का काम करती है, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये उनको सोल्व करने का काम भी ये कंपनी करती है। इसकी जो मार्केट कैप है वो 9,903 करोड़ की है। इसका जो बानवी काई है वो 251 रुपया है और जो लो है वो 110 रुपया है। इसकी जो बुक वैल्यू है वो 19.50 रुपये है और एक डिविडेंड देने वाली कंपनी है ये। इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 0.21% की है। इसका जो ROC है वो काफ़ी अच्छा है, 32.2% का है और इसका जो ROE है वो भी 29.6% का है। इसके ऊपर जो डेट ऑफ इक्विटी है वो 0.01% की है, यानी कि एक नाम मात्र का ही इसके ऊपर कर्जा है और इसमें जो प्रमोटर है उनकी कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है। और इसकी जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो 29.6% की है। इसके ऊपर जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो 100 करोड़ की है जबकि इसकी जो टोटल एसेट है वो कहीं ज़्यादा है, 945 करोड़ की है वो। ये जो स्टॉक है इसमें वॉल्यूम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। और ये देखिए, अगर आप इसकी सेल्स देखोगे तो ये लगातार एक बहुत ही अच्छी सेल्स करने लग रही है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इसने 438 करोड़ की सेल्स की है और मार्च 2023 के क्वार्टर में इसने 449 करोड़ की सेल्स की है। कि जो अदर इनकम है वो भी 29 करोड़ की यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव है और 3 करोड़ की, 4 करोड़ की, 5 करोड़ की ऐसी हो जाती है। इसका जो नेट प्रॉफिट वो भी क्वार्टर वाइज 77 करोड़ का, 46 करोड़ का, 51 करोड़ का, 31 करोड़ का ऐसे हो जाता है। और ये देखिए, इसके पिछले 12 महीने की सेल्स ग्रोथ है वो 78% की है, पिछले 12 महीने की प्रॉफिट ग्रोथ है वो 82% की है, पिछले 12 महीने का CAGR है वो 105% का है, पिछले 12 महीने की रिटर्न ऑफ इक्विटी हो 30% की है। और ना ही केवल पिछले 12 महीने की बल्कि पिछले 5 सालों की, 3 सालों की भी इसकी जो सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है। और जितनी बड़ी कंपनी है ये, इसके ऊपर कर्जा उतना ही कम है, इसके ऊपर केवल 7 करोड़ का कर्जा है। इसकी जो रिजर्व कैपिटल है वो लगातार बढ़ने लग रही है, पहले 418 करोड़ होती थी, फिर 450 करोड़, 560 करोड़, अभी 762 करोड़ की है। और इसकी जो शेयर कैपिटल जहाँ पहले 10 करोड़ की होती थी वहाँ बढ़ के 41 करोड़ की हो चुकी है। और इसकी जो टोटल एसेट है वो भी लगातार बढ़ने लग रही है, पहले 469 करोड़ होती थी, फिर बढ़ के 498 करोड़, 633 करोड़ हुई, अभी 945 करोड़ की है। और इसमें जो प्रमोटर है उनकी जो होल्डिंग है वो 71.68% इसमें बनी हुई है और जो FII है उनकी जो होल्डिंग है इसमें वो 8.46% की बनी हुई है। और ये जो FII है ये भी लगातार अपनी होल्डिंग को इसमें बढ़ाने लग रहे हैं और जो DII है उनकी जो होल्डिंग है इसमें 0.05% की इसमें बनी हुई है। तो देखिए, अभी ये 241 रुपये के ऊपर ये ट्रेड करने लग रहा है। एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है ये और एक फंडामेंटल काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। इसके जो एडवांटेज हैं वो यह हैं, इसकी जो टोटल एसेट वो लगातार बढ़ने लग रही है, इसकी जो रिजर्व कैपिटल वो भी लगातार बढ़ने लग रही है और इस ये एक डिविडेंड देने वाली कंपनी है ये। इसकी जो सेल्स है वो भी लगातार ही बढ़ने लग रही है और एक बिल्कुल एक डेट फ्री कंपनी है ये। और इसमें जो प्रमोटर हैं और जो FII है और जो DII है, इन तीनों की होल्डिंग को मिला दिया जाए तो ये 80% की होल्डिंग बन जाती है। तो एक फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। तो देखिए, अगर आप इसको इसी प्राइस के ऊपर भी बाय करना चाहते हैं तो आप इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी को इसमें बाय करें। अभी इसने अपना जो ऑल टाइम का हाई है वो अभी इसने अभी टच किया है तो थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन हो सकता है।
तो अगर आप इसको इसी प्राइस के ऊपर बाय करना चाहते हैं तो इसकी जो कम क्वांटिटी है आप उसको बाय करें। सो दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।